हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बिलो द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2020। तो सेंसेक्स तो 1000 पॉइंट उड़ गया और हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली बजट के अंदर ऐसा क्या आया जो इतना मार्केट को नेगेटिव लगा। तो हम इसको मार्केट की पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे, क्योंकि अगेन काफ़ी सोशलिस्ट बजट है, काफ़ी जगहों पे इन्होंने प्रमोट करने की चीज़ें करी हैं काफ़ी सारी, और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं टैक्स पेयर्स उनके लिए काफ़ी नेगेटिव है। तो अगेन मैं कहूँगा काफ़ी सोशलिस्ट बजट है। तो लेट अस सी कि एक एक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमें मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट लग रही हैं एंड वील गो थ्रू देम। तो सबसे पहला जो हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट वॉज एक्सपेक्टेड कि नीचे मतलब थोड़ा ऊपर रिवाइज होएगा, नीचे आएगा यानी, तो 3.8% पे इन्होंने रिवाइज किया 3.3% से, एंड दैट वाज कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड। मतलब मार्केट वाज कंफर्टेबल विद एनीथिंग बिलो 4%, और ये मैं काफ़ी अपने पोस्ट में पहले कह भी चुका हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू माइनस 3.3%, स्पेशली जब आप अक्टूबर तक ही ओवरशूट कर गए अपना टारगेट। तो वो 3.8% पे आया, मार्केट को उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसके वजह से मार्केट्स नहीं गिरी थी एंड तब तक तो मार्केट्स पॉजिटिव में भी थी। उसके बाद आया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रिमूवल, जो अगेन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि 20% जो टैक्स लगता था वो चला जाएगा, उनका डिविडेंड पूरा मिलेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नाउ टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, तो उसके अंदर छोटे इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं, बट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, टुडे आई सॉ अ ट्वीट फ्रॉम मिस्टर पुरिंजू वेलियात, वो भी कह रहे हैं कि क्यों ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को इतनी परेशानी हो रही है, जबकि FPS वगैरह बिल्कुल भी टैक्सेस पे नहीं करते उस हिसाब से इन चीज़ों पे। तो भार पे भी क्योंकि उनका इतना टैक्स नहीं लगता आई थिंक, एंड यहाँ पे 20% टैक्स लग के आता था, तो FPS के लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर डोमेस्टिक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी नहीं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए उनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है ये, क्योंकि वो अब अपने जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसमें टैक्स पे करेंगे। सेकेंडली जो आपकी होल्डिंग कंपनीज हैं, आई थिंक उनके भी टैक्सेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 20% जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग के आता था वो इनकम इनकी बिल्कुल फ्री होती थी हैंड में, बट अब क्या होएगा क्योंकि इनका कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% पे है, तो 5% एक्स्ट्रा टैक्सेस देंगे, तो इवन होल्डिंग कंपनीज को नुकसान है। और मुझे लगता है उस चक्कर में हो सकता है HDFC में उस दिन 6% का फॉल आया हो, बट वो मुझे काफ़ी अनरीजनेबल लगा। उसके बाद जो एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट थी, दैट वॉज द लिस्टिंग ऑफ LIC। तो काफ़ी टाइम से मार्केट चाह रही है कि LIC लिस्ट हो, ताकि हमें पता रहे एग्जैक्टली है क्या उसकी वैल्यू कितनी है, और सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट के अंदर, तो उसकी लिस्टिंग होनी शुरू से ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता था कि बड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो उसकी लिस्टिंग के लिए फाइनली अप्रूवल आ गया है, और वो लिस्टिंग करवा रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात कि मार्केट को तो बहुत टाइम से एक्सपेक्टेशन थी कि लिस्ट हो, और एक आपकी अच्छी कंपनी है, सॉवरेन बैक्ड कंपनी है, सॉवरेन गारंटी मिलती है उसमें कोई भी इंश्योरेंस कराता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम आएगा ही आएगा, डूबेगा नहीं पैसा। तो हम एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमें खुश होना चाहिए कि लिस्ट हो रही है, बट इस गवर्नमेंट क्या करती है, कभी भी अच्छे टाइम्स पे लिस्ट कराती नहीं इन चीज़ों को। जैसे एयर इंडिया की सेल भी हो रही है, वो उस टाइम पे हो रही है जब बिल्कुल डिस्ट्रेस में आ गया एसेट। BPCL को ये एक अच्छे टाइम पे मोनेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक एंड OMC कंपनीज का इतना काम नहीं बचेगा। तो ये एक दो जगहों पे मुझे ठीक लग रहा है गवर्नमेंट का, और यही गवर्नमेंट मुझे लगता है कि ऐसे स्टेप्स ले सकती है कि जल्दी जल्दी इनको थोड़ा प्राइवेटाइज कराए। प्राइवेटाइज होते ही इकोनॉमी के अंदर वापस ग्रोथ आएगी, क्योंकि जितने ये लॉसेस कर रहे हैं कम से कम ये टैक्सेस तो देना शुरू करेंगे। अभी ये टैक्स पेयर का ही मनी है जो बिल्कुल वेस्ट होता है इन कंपनीज के अंदर। तो LIC की लिस्टिंग, लेकिन मुझे वही लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कम है इस समय बहुत, और काफ़ी डिस्ट्रेस में है, तो इसलिए वो इसको लिस्ट करा रहे हैं इस समय, वरना आई डोंट थिंक दे वुड हैव गॉन अहेड विद द लिस्टिंग ऑफ LIC, भले ही मार्केट कम से कम 20 साल से कह रही हो कि LIC को लिस्ट करा दो, LIC को लिस्ट करा दो। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेंसेक्स की इतनी धुलाई हुई है वो क्या जस्टिफाइबल थी। तो आप देखोगे कि जो नए टैक्स रेट्स आए हैं उसके बाद ही एक्चुअली सेंसेक्स में गिरावट अच्छी आनी शुरू हुई। तो नए टैक्स रेट के हिसाब से क्या हुआ कि अगर कोई भी नए टैक्स ब्रैकेट में आना चाहता है तो फिर उसको अपने एग्जेम्पशन डिडक्शंस फोरगो करने पड़ेंगे। एंड आप देखोगे इंश्योरेंस के जो डिडक्शंस होते हैं या जो हाउसिंग लोन का डिडक्शन होता है, तो उन कंपनीज के अंदर ही एक्चुअली बिकवाली आनी शुरू हुई। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि मार्केट ने इसको इतना मिसजज किया, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मिसजजमेंट है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, मतलब मैं क्योंकि काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ कुछ कंपनीज को, तो आई वॉज ट्रैकिंग उस दिन सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स, जैसे ही उनका आया कि डिडक्शंस के बिना आपके नए टैक्सेस हैं, ICICI लोम्बार्ड फेल, और लोम्बार्ड जब गिर रहा था तो आए न्यू कि अच्छा ठीक है 80D के अंडर आता है इसका डिडक्शन, इसलिए गिर रहा है। बट इट्स वेरी फनी टू से कि यार लोग हेल्थ इंश्योरेंस कम कराएंगे। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु सेज कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे टैक्स में डिडक्शन चाहिए। सो दैट केस आई थिंक मार्केट को भी बहुत जल्दी समझ आ गया, इट फेल एंड इट रिकवर्ड वेरी शार्पली। उसके बाद बात आती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर हुआ क्या, आपके जो भी पॉलिसीज होती हैं वो सारी डिडक्शन में आती हैं कहीं ना कहीं टैक्सेस के, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छी बिकवाली आनी शुरू हुई। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में क्यों बिकवाली जारी रही ये मैं आपको बताता हूँ। यूलिप इनका बहुत ही बड़ा
जो कहते हैं कमीशन का प्रोडक्ट होता है, वो मेरे ख्याल से उसकी सेलिंग कम हो जाएगी अब, क्योंकि वो ये लोग बेचते ही इसलिए थे कि उसके अंदर आपको टैक्स एग्जम्पशन है, टैक्स डिडक्शन भी है, प्रॉफिट पे टैक्सेस नहीं लगते, बट अब वो टैक्स डिडक्शन ही अलाउड नहीं रहा है जब, तो फिर कौन यूलिप खरीदेगा? यूलिप वही खरीदेंगे जिनको एक्चुअली उनकी यूज होगी, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसको चाहिए होगा वो यूलिप लेगा, अब कोई भी जिसको ये यूलिप बेचते हैं उसको नहीं बेच पाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो फॉल आया, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ और गिर जाए ताकि कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हम बाय कर सके फाइनली, हमें अब शुरू से बड़ी महंगी लगती रही है। और लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो लोग करवाते ही जा रहे हैं गोइंग अहेड, और करवानी ज़रूरी हो भी गई है। अब आप देखोगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने कैंसर केयर प्लान, आपका हार्ट केयर प्लान, इस टाइप के प्लान लॉन्च कर दिए जिसमें आपका एक बार प्रीमियम तय हो जाता है, आप देते रहो 85 की एज तक, एंड दे गिव यू बिग कवर, और वो भी क्या है, स्ट्रेट पे आउट है, डिटेक्ट होता है कैंसर, दे गिव यू ऑल द मनी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं आज के एनवायरनमेंट में। जिसके पास नहीं है उसको कैंसर का ट्रीटमेंट आप क्यों 25-30 लाख का लेना चाहोगे? टर्म प्लान हो गए, मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब कहते हैं कि हमें टर्म प्लान चाहिए, टर्म प्लान चाहिए, कुछ हो जाएगा तो फैमिली का तो ध्यान रख लेंगे, टर्म प्लान चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि कोई भी इन चीज़ों को इसलिए लेता है कि यहाँ टैक्स डिडक्शन मिल रहा है हमें इसलिए हम लेंगे। तो अगेन ये मेरे को बड़ा ओवर रिएक्शन लगता है मार्केट का इस सिचुएशन में। उसके बाद बात आ जाती है आपके हाउसिंग लोन्स वगैरह की। आई हैव नेवर मेट अ पर्सन हु सेज कि यार मेरे को टैक्स डिडक्शन मिलेगा इसलिए मुझे हाउसिंग लोन करा दे, तो 2 लाख का मेरे को टैक्स डिडक्शन लेना है। अगेन इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना जो मेरे को मार्केट में देखा कि LIC हाउसिंग को पीट दिया बिल्कुल, HDFC को पीट दिया बिल्कुल, मतलब कोई बिना सर पैर की बात लग रही है। आई डोंट थिंक इनकी ग्रोथ में कोई स्लो डाउन आएगा या कोई दिक्कत आएगी, मतलब मैं काफ़ी हैरान था इंडिया पोस्ट हाउसिंग फाइनेंस, मतलब सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज तो ऐसे गई हैं जैसे कि पता नहीं कोई लोन ही नहीं लेगा। तो अगेन मेरे को लगता है ओवर रिएक्शन था, बट हाँ अगर आप नए टैक्स रेजिम में जाते हैं और आप कोई डिडक्शंस नहीं ले रहे, या लेट से आपकी 7 से 10 लाख की इनकम है और आपके टैक्स डिडक्शंस वगैरह नहीं थे कुछ, आप जबरदस्ती लेट से ELSS लेते थे कि ATC के अंडर आ जाए, ELSS जैसे प्रोडक्ट्स आई डोंट थिंक विल सर्वाइव इन द फ्यूचर। एंड निर्मला सीतारामन जी ने कहा भी है कि गोइंग अहेड व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस, हम बिल्कुल ही एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हटा देंगे कि कोई भी अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सके, एंड आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। डेवलप्ड कंट्रीज में वही होता है, बट मुझे लगता है कि जो टैक्स ब्रैकेट है 30% का उसको भी थोड़ा नीचे आना चाहिए, टैक्स ब्रैकेट नीचे आएगा तो मुझे लगता है थोड़ी बेटर रहेगी। गाइज उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नए टैक्सेस के आए हैं रेट, तो रेट तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट, उसमें कुछ है भी नहीं लंबा चौड़ा, बट काफ़ी कैलकुलेशंस आ रही हैं जो बता रही हैं कि आपके पुराने रेट के हिसाब से आपको एक्चुअली पैसे बचते। तो आई वुड लाइक टू आर्ग्यू ऑन दैट एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि ऐसा नहीं है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो 100% डिडक्शंस जो अवेलेबल थे वो लेते थे? आई डोंट थिंक यू नो इवन 1%, मतलब मैं खुद नहीं सारे डिडक्शन ले पाया आज तक। तो मैं आपको बताता हूँ कि मनी कंट्रोल पर मुझे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मिला है, हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद मैं बजट को अपने हिसाब से रेटिंग दूंगा कि कितनी मुझे लगती है। एंड पहले हम उस आर्टिकल को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एक्चुअली सच है कि नहीं है, कहाँ तक सच है कहाँ तक ठीक नहीं है। तो लेट्स गो थ्रू दैट आर्टिकल नाउ। तो गाइज लेट्स गो थ्रू दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है एंड इसके अंदर इन्होंने काफ़ी कैलकुलेशंस करके दिखाई हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। तो या हाउ योर इनकम विल बी टैक्स्ड इन्होंने बता रखा है। तो होता क्या था, अगर आपकी 20 लाख की इनकम है तो नई रेजीम के अंदर क्योंकि आप सारे डिडक्शंस फोरगो कर रहे हैं, यू वुड लीव दिस डिडक्शंस, बट टेल मी इवन 1% हु हैज टेकन ऑल दिस डिडक्शंस। अगर आप सारे डिडक्शंस ले रहे हैं डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट ओल्ड रेजीम जो कि आई थिंक 2-3 साल चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। एंड ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो वापस हम उस पर आ जाएं, ऐसा नहीं है। देर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकनॉमी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी दे विल कंटिन्यू विद दिस रेजीम और डिडक्शंस वगैरह विल गो अवे, वो आप मान के चलिए। डेवलप्ड इकनॉमीज में भी ऐसा ही होता है, कहीं कहीं मुझे लगता है थोड़े बस हमारे टैक्सेस हाई हैं वो जैसे जैसे रैशनलाइज होंगे, एंड आई थिंक क्योंकि इस बार गवर्नमेंट का हाथ काफ़ी टाइट था तो वो रैशनलाइज नहीं कर पाए, बट फ्यूचर में जाते हुए मुझे लगता है कि टैक्सेस भी आपका 25% से ऊपर नहीं होगा कहीं पर भी। उसके बाद इन्होंने जो ये मतलब कैलकुलेशंस करके दिखा रखी है ना, आई एम क्वाइट शॉक्ड। 10 लाख की इनकम में कौन जना अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, हाउस लोन का डिडक्शन 2 लाख का, ये 25 का, ये 1.5 का, कौन इतना बड़ा डिडक्शन लेता है भाई? कोई भी नहीं लेता। आपको कोई जना मिला है जो इतना बड़े डिडक्शन ले रहा है? मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आपने इतने सारे डिडक्शंस दिखा दिए एंड यू आर सेइंग कि अच्छा इतना ही होता फिर उसका, कोई भी इतने डिडक्शंस नहीं लेता। ELSS का मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि डिडक्शन सब लेते थे ATC के अंडर एंड दैट विल स्टॉप कम्प्लीटली और ELSS विल बी अ डेड प्रोडक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ी HDFC AMC की कंपनीज हो गई या जैसे आपकी आदित्य बिरला कैपिटल हो गई, इनकी थोड़ी पिटाई हुई है, बट अगेन ये शॉर्ट टर्म के अंदर सारी पिटाई है। ELSS वगैरह से इनको लेट से 0.5% 1% का जो आता थी इनकम वो बंद हो जाएगी तो कुछ और प्रोडक्ट में आ जाएगी।
तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इन लोग इन चीज़ों पे इतना फोकस किया जा रहा है. एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ लाइक वायबल जो इन्होंने कैलकुलेशंस वगैरह करके दिखाई हैं. अगर आप सारे डिडक्शंस लेते हो देन डेफिनेटली आपके लिए तो नया टैक्स रेजिम बिल्कुल बेकार है. बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग ऑल द डिडक्शंस तो आप देखोगे 5, 10, 15, 20% तक के भी ब्रैकेट में अगर आप आते हो तो यू आर मच मोर हैप्पियर. कम से कम ये 30% का टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा. तो गाइज आज के लिए इतना ही. हमने देखा बजट के अंदर क्या क्या मेन ट्रिगर्स आए हैं कैपिटल मार्केट्स के लिए और होपफुली ये जो सारे ट्रिगर्स हैं ये कुछ अच्छे से इम्पैक्ट कर सकें लॉन्ग रन में. अभी शॉर्ट टर्म में तो मेरे को लगता है कोरोना वायरस का ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा मार्केट्स के ऊपर क्योंकि इसकी डेथ टोल बढ़ती जा रही है. फ्रॉम 2% इट हैज़ गॉन टू 3% और केसेस बहुत बढ़ गए हैं. तो हमें देखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के चक्कर में कितना मार्केट इम्पैक्ट लेती है. बजट इज़ आउट ऑफ द वे. फोकस ऑन अर्निंग्स, फोकस ऑन ग्रोथ. हो सकता है आप हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज के पास जाना चाहें या नहीं जाना चाहें, वो आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट को बड़ा देखा जाएगा उसके हिसाब से कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते. आई ऑलवेज लाइक ग्रोथ एंड आई ऑलवेज लाइक कंपनीज विच री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स ताकि वो और बड़ी होती चली जाए. एंड दैट इज़ वॉट वी आर सीइंग कि बड़ी कंपनीज बड़ी होती जा रही हैं, छोटी कंपनीज और छोटी होती जा रही हैं. तो लेट अस सी कि क्या होता है आगे. हमने बजट को एनालाइज किया है. अब मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि मैं रेटिंग भी दूंगा बजट को, तो आई वुड रेट इट 4/10 एंड फॉर ओनली अ फ्यू फैक्टर्स. वन इज़ कि आपको जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट था यू शुड हैव रिड्यूस दैट, क्योंकि अगर आपने कॉर्पोरेट्स का कर दिया तो इंडिविजुअल्स का कर देना चाहिए. दैट वॉज अ बिग नेगेटिव फॉर मी पर्सनली. उसके बाद मैं आपको जो अगला मतलब एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं 4 देना चाहूँगा. अगेन आई थिंक कि कैपिटलिज्म को प्रमोट आपको किसी ना किसी तरह करना पड़ेगा. ठीक है आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं इधर उधर, बट आपको जो टैक्सेस आ रहे हैं उससे आप कुछ भी करो वो बात आपकी ठीक है, बट जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको जल्दी जल्दी मोनेटाइज करना चाहिए. कैपिटलिज्म विल गिव यू मोर टैक्सेस. जो कंपनीज आपकी ढंग से रन हो रही हैं वो टैक्सेस देंगी, उस टैक्सेस से आप बिल्कुल, आपका काम है समाज की सेवा करना, जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना या जितना भी टूरिज्म पे खर्चा होना है जहाँ पे भी होना है वो सब ठीक है. बट कहीं ना कहीं आपको कॉर्पोरेट्स को पुश इस तरीके से देना पड़ेगा, कहीं एक फ्री हैंड सा देना पड़ेगा कि दे आर एबल टू जनरेट दैट रेवेन्यू. वो अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है. स्मॉल बिजनेस ओनर्स आर रियली सफरिंग, एम्प्लॉयर्स आर सफरिंग मोर देन द एम्प्लॉयज. तो उस पर थोड़ा फोकस मुझे लगता है ज़्यादा करना चाहिए गवर्नमेंट को. आई नो मोस्ट ऑफ यू वोंट एग्री, मोस्ट ऑफ यू को लगेगा कि यार एक बड़े कॉर्पोरेट्स बहुत लूटते हैं, बट इफ़ यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमीज वर्क, हाउ फाइनेंस वर्क्स, हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स, यू विल बी हैप्पी टू नो कि जब तक ये बड़ी कंपनीज चल रही हैं तब तक ये आप और मेरा बिजनेस भी चल रहा है, वरना शॉर्ट टर्म में इतना बुरा इंपैक्ट होता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो यूएस गवर्नमेंट का जब रिसेशन आ रहा था 2008 का, दे लेट लीमैन फेल. लीमैन को अगर वो बचा लेते इतना बड़ा क्राइसिस नहीं फैलता, क्योंकि आपका लोन जो पैसा घूम रहा होता है बाजार में वो जहाँ एक जगह बंद होता है कोलैप्स कर जाता है फाइनेंशियल सिस्टम. तो लीमैन को इन्होंने नहीं बचाया एंड दे लेट लीमैन फेल, और उसके बाद इनको बाकी सारे बैंक्स को पैसा देना पड़ा था. तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करें. मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटलिज्म 100% क्लीन है या कुछ है, बट कैपिटलिज्म विद अ फ्यू चेक्स इन बाउंड, मतलब अच्छे चेक्स जो आपको एक्चुअली प्रमोट करते हैं कि आप अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें या उनको पनिश करते हैं जो अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनमें अगर आप चेक रखें तो आई थिंक दिस इकोनॉमी कैन गो प्लेसेस एंड डू वंडर्स. बट तब तक के लिए आई थिंक कि थोड़ा टाइम लगेगा इकोनॉमी को. थोड़ा अभी टसल भी चल रही है गवर्नमेंट के पास, जरा पैसे भी कम है, तो आई वोंट कमेंट मच ऑन दैट. बट आई थिंक फ्यूचर में जाते जाते धीरे धीरे एक तो आपके डिडक्शंस खत्म हो जाएंगे, टैक्सेशन की फाइलिंग सिंप्लीफाई हो जाएगी, टैक्सेस आई थिंक वुड द 25% का ब्रैकेट वुड बी द मैक्सिमम, और हम होप ही कर सकते हैं कि सारा हो. अभी के लिए आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द बजट, बट आई डोंट फाइंड एनी नेगेटिव ट्रिगर इन द बजट. तो मार्केट जो कोलैप्स हुई है मुझे लगता है वो कोरोना वायरस को अकाउंट में ले रही है, उसको लेके वो घिरी नहीं थी पहले. और जैसे शराबी को पीने का बहाना चाहिए होता है, मार्केट्स को गिरने का बहाना चाहिए होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी सो. तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. आई होप यू कैन फाइंड कि अच्छा नया टैक्स रेजिम इतना बुरा नहीं है, एंड आप उस हिसाब से देखिए कि आपको किस में टैक्स फाइल करने हैं. अब इन्होंने कहा तो है कि सीए का काम कम हो गया, बट मुझे तो अपने सीए से पूछना ही पड़ेगा कि भाई मैं नए टैक्स रेजिम में जाऊँ या पुराने में. तो लेट अस सी कि कैसे रहता है, क्या रहता है. एंड आई होप कि गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बूस्टर लगाती रहेगी. पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी कैपिटलाइजिंग का इन्होंने डिले कर दिया थोड़ा प्लान. इनके पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, एंड दैट इज़ क्लियरली विजिबल. तो मुझे लगता है कंस्ट्रेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मेरे को बजट को रेट देना होता, रेटिंग देनी होती, तो मैं 7 देता. बट क्योंकि अब मैं भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ एंड आई लाइक कैपिटलिज्म, आई नो द एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म, आई नो द एडवांटेजेस ऑफ सोशलिज्म एज वेल. बट कोई भी इकनॉमी लॉन्ग रन में सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट होकर पैसा नहीं कमा पाई है. इवन चाइना हैड टू ओपन अप देयर इकनॉमी. सो आई नो कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म प्रमोट होगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी इकनॉमी के अंदर, इकनॉमीज में ग्रोथ आती है, इकनॉमी में ग्रोथ आएगी और अच्छे से ग्रोथ आएगी एंड उस पर जाने के लिए. एंड आई थिंक $5 trillion विल बी देयर बाई 2027, 2028. आई डोंट थिंक 2025 तक पॉसिबल हो पाएगा, अगर स्पेशली चाइना का कोरोना वायरस का
इम्पैक्ट रहता है उसकी जीडीपी में, तो दैट इज 1-3% का इम्पैक्ट अगेन. तो लेट अस सी कि कहाँ जाती है इकोनॉमी, किस हिसाब से आती है. लॉन्गर टर्म में आई एम अगेन वेरी वेरी बुलिश ऑन इंडिया. आई डोंट सी एनी स्ट्रक्चरल डिफिकल्टी अभी, बट हाँ शॉर्टर टर्म में फाइनेंशियल कंपनीज आर गोइंग टू बी अंडर बिग बिग स्ट्रेन, और हमें देखना है कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कैसे रहता है, और उस हिसाब से ही हमें अपनी इन्वेस्टिंग वगैरह जारी रखनी है. म्यूचुअल फंड्स वगैरह में मैं कहूँगा आप निवेश जारी रखिए, बाकी हम देखते हैं कि किस हिसाब से कैसे प्ले आउट होता है. गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, बट बजट के बारे में जानना जरूरी था, मेरे को अपने ओपिनियंस देने जरूरी थे ताकि आपको समझ आए. हो सकता है आपकी बात बिल्कुल अलग हो, मेरी अलग हो, तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या ठीक लगा क्या गलत लगा, जो मैंने कहा आप उससे एग्री करते हैं नहीं करते, कहाँ पे मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है मेरी थिंकिंग में, तो उससे फिर मेरा भी एक माइंड ओपन होएगा, मैं भी बेटर इन्वेस्टर बनूंगा, आप भी बेटर इन्वेस्टर बनेंगे. तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन.